अगर आपके भी 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है तो आप शुरू से लेके ये वाली वीडियो पूरी देख लो, आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा। और अगर आपका भी एक शॉर्ट चैनल है, YouTube शॉर्ट चैनल है, या फिर आपका लॉन्ग वीडियोस वाला चैनल है, तो आपको आज की वीडियो में सभी कुछ पता चलेगा। क्या भाई शॉर्ट वीडियो जो हम डाल रहे हैं उसका वॉच टाइम काउंट होता है नहीं होता है, या फिर आप 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा कर सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इसीलिए बोल रहा था भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, सभी कुछ बता दूंगा इस वीडियो में, काफी सारी चीज आपको बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। उससे पहले रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, और जल्दी से जाके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, जो हम लॉन्ग वीडियोस डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपका एक लॉन्ग वीडियोस का और शॉर्ट वीडियोस का चैनल है तो आपको पता ही होगा लॉन्ग वीडियोस जो हम डालते हैं उनका हमारा वॉच टाइम काउंट होता ही होता है। और शॉर्ट वीडियो की भी बात करते हैं, देखो यार लॉन्ग वीडियोस का जितनी आप डालोगे काफी टाइम लग सकता है आपको वॉच टाइम कंप्लीट करने में, क्योंकि 4000 घंटे कम नहीं होते हैं। 4000 घंटे तब तक आपके जो 4000 आवर्स वॉच टाइम तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए नहीं बेच सकते हैं। तो अभी आपको एक और सवाल रहता है सभी लोगों के, भाई जो शॉर्ट वीडियो होती है, जो आप शॉर्ट वीडियो चला रहे हो उस पे जो हमारा वॉच टाइम आता है, जो हम वीडियो डाल रहे हैं यहाँ पे 25 सेकंड 30 सेकंड, क्या वो हमारा काउंट होता है या नहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या सिस्टम है। तो देखो सबसे पहले लॉन्ग वीडियो को समझ लो, लॉन्ग वीडियो अगर आपका चैनल है तो आपका वीडियो डाल रहे हो कितने भी मिनट की आप डाल रहे हो, 1 मिनट की, 2 मिनट की, फिर जो है 5 सेकंड की भी अगर डाल रहे हो तो वो भी आपका यहाँ पे काउंट हो जाता है। लॉन्ग वीडियोज की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी वीडियो शूट रहती है, जो मतलब यहाँ पे शॉर्ट पे नहीं जाती है, उसका वॉच टाइम आपका काउंट होता है, और उसके बाद जैसे आपके 4000 घंटे हो तो वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है। अभी बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं जो आपका जो शॉर्ट वीडियो चैनल है उसका वॉच टाइम कैसे यहाँ पे काउंट होता है वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। तो भाई लोगों जैसे कि अभी देख लो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आ चुका हूँ, और यूट्यूब पे आने के बाद देख लो जो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ रही है, जैसे कि ये वाली शॉर्ट वीडियो आ रही है मेरे सामने, कोई भी एक जो भी वीडियो आ रही है, अगर मैं इसे यहाँ से प्ले करता हूँ, जैसे कि मैं इसे यहाँ से प्ले करता हूँ, तो अभी चल गई ये वीडियो, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका जो वॉच टाइम अभी जो चल रहा है वो काउंट नहीं होने वाला है। जो इस तरीके से हमने, अगर आपने यहाँ से भी क्लिक करी है इसको सामने से भी, तो भी आपका यहाँ पे वॉच टाइम यहाँ पे जो है काउंट नहीं होगा। वॉच टाइम कैसे काउंट होता है, अगर ऐसे आ रही चल रही है वीडियो तो नहीं होगा, अगर आपकी यहाँ पे सब्सक्राइबर से आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब कर रखे हैं अपने शॉर्ट चैनल वो बंदे देख रहे हैं आपकी क्लिक करके, वो वाला वॉच टाइम काउंट हो जाता है। प्लस आपका अगर यहाँ पे जैसे कि मैं शॉर्ट आपको सर्च करके दिखाता हूँ, तो शॉर्ट्स वीडियो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा और लिखते ही देख रहे हो, जो ये वाली ऊपर वाली जो शॉर्ट वीडियोज आ रही है ये वाले अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट चलाऊंगा तो इनका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे ये नीचे वाली वीडियो आ रही है जो आपकी वीडियो ब्राउज फीचर्स में आएगी, मतलब देख लो यहाँ पे जो आपकी वीडियो इस तरीके से चलेगी, जो आपको इस तरीके से जो मैं होम चला रहा हूँ यहाँ पे, किस YouTube का जो होम चला रहा हूँ, अगर मेरे सामने कुछ इस तरीके से कोई भी वीडियो आती है शॉर्ट की, जिस तरीके से लॉन्ग वीडियो आ रही है, अगर शॉर्ट की मेरी इस तरीके से कोई भी वीडियो आती है तो उसका वॉच टाइम काउंट होता है यहाँ पे। तो आपको पता ही होगा जैसे कि मेरा एक चैनल है यहाँ पे शॉर्ट वाला, यहाँ पे फिटनेस वाला, आप देख लो साइड में मेरे अभी इसमें 8000 के करीब यहाँ पे जो वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है घंटे, मैंने इस पे कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रखी थी, सारे के सारे मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे चैनल खोल के, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे बाद में तो मैंने इस पे एक दो वीडियो डाल दी थी लॉन्ग वाली, लेकिन ये वाली वीडियो आप देख लो यहाँ पे 47 मिलियन व्यूज है, और ये वाली वीडियो मेरी काफी ज्यादा मतलब जो यहाँ पे इस तरीके से चली हुई है, किस पे ब्राउज फीचर पे, अगर आपकी जैसे कि ये नीचे आ रही है इस पे शॉर्ट लिखा हुआ है, तो जो ब्राउज फीचर पे आपकी डायरेक्ट वीडियो आती है वो जो चलती है उसका आपका जो वॉच टाइम होता है वो काउंट होता है। और बाकी जो आपकी जो शॉर्ट पे आप जैसे डायरेक्ट चला रहे हो तो आपके यहाँ पे जो है वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, जिस तरीके से अगर हम इस तरीके से चला रहा है कोई हमारी वीडियो तो उसका वॉच टाइम नहीं काउंट होता है। लेकिन अगर कोई होम पे से क्लिक करके चला रहे हैं, जो हम यूट्यूब का होम पेज पे से क्लिक करके चला रहे हैं, तो उसका हमारा जो यहाँ पे वॉच टाइम काउंट होता है, फिर सब्सक्राइब में से चला रहा है उसका भी वॉच टाइम यहाँ पे काउंट होता है। तो मैं आपको बता दूं जितने भी आपने शॉर्ट डाल रखी है तो आप शॉर्ट डालते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी शॉर्ट वायरल होगी वो शॉर्ट में तो आपकी वायरल होगी ही होगी जो जिस तरीके से चल रही है। प्लस अगर उसे कोई ब्राउज फीचर से फिर सर्च करके इस तरीके से कोई यहाँ पे उसे देखता है तो उसका भी आपका यहाँ पे वॉच टाइम काउंट होता है, और जो आपके 4000 घंटे पूरा होने में आपका टाइम लग रहा है वो भी आपके जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे।
तो भाई लोगों, जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पे अभी शॉर्ट चैनल हैं, वो तो सभी शॉर्ट डालते रहो, उनका वॉच टाइम कंप्लीट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका मैंने क्यों लिखा है भाई, एक दिन में आपका पूरा हो जाएगा अगर आपकी एक भी शॉर्ट यहाँ पे वायरल हो गई तो, वायरल होते ही, क्योंकि शॉर्ट बहुत तगड़ी चलती है वायरल होते ही। तो भाई जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी एक वायरल हो जाती है आपकी शॉर्ट वीडियो, तो आपका वो वॉच टाइम पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर देगी एक शॉर्ट वीडियो, क्योंकि वो आपकी शॉर्ट पे भी चलेगी और ब्राउज फीचर पे भी चलेगी जब आपकी वायरल होती है वीडियो, तो आप देख लो वो काउंट हो जाएगी। प्लस जो लॉन्ग वीडियो की भाई लोगों की प्रॉब्लम है, तो भाई लोगों आपको मैंने सभी कुछ पहले बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे टैग्स लगाओ, हैश टाइटल वगैरह सही लगाओ, किस तरीके से क्या लिखते हैं, सारे कुछ मैंने यहाँ पे वीडियो डाल रखी हो, जाके देख लो, उस पर आप लॉन्ग वीडियोस डालो, लॉन्ग वीडियोस का तो आपको पता ही है वॉच टाइम काउंट होता ही होता है, और शॉर्ट भी डाला करो, शॉर्ट का भी यहाँ पे वॉच टाइम काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर शॉर्ट वीडियो चल जाती है और ब्राउज फीचर पे वो आती है तो आपकी यहाँ पे जो है ब्राउज फीचर पे अगर वीडियो आती है तो वो उसका भी वॉच टाइम यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से काउंट होता है। तो जल्दी से जल्दी आपके यहाँ पे 4000 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे अपना मोनेटाइजेशन चैनल के लिए भेज दोगे। तो आपकी आज की इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि भाई शॉर्ट वीडियो का भी वॉच टाइम काउंट होता है, और इसके बाद आपका अपना चैनल मोनेटाइज के लिए भेज सकते हो। तो बस यही थी कि वीडियो से प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इसी वीडियो अपडेट लाके देता रहूंगा। थैंक यू।